सिंगल वीडियो को कितने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट कर सकते हैं। यह कमेंट मुझे अच्छा लगा, इसलिए इस कमेंट को मैंने कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट किया और लिखा, क्या आप भी ऐसा सोचते हो? 99% ऑडियंस ने यस बोला। सो आज से अगले 60 डे पर डे 1 शॉर्ट वीडियो क्रिएट करूंगा और उस शॉर्ट वीडियो को 2 डिफरेंट चैनल पे पोस्ट करूंगा। देखते हैं हमें क्या रिजल्ट मिलता है। इस एक्सपेरिमेंट को करने में बहुत रिस्क है क्योंकि एक वीडियो को 2 चैनल पे पोस्ट करना है। यूट्यूब चैनल को टर्मिनेट भी कर सकता है, बट हम डरने वालों में से नहीं है। जो होगा सो देखा जाएगा। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए 2 यूट्यूब चैनल चाहिए। मेरे पास एक यूट्यूब चैनल है जिसपे 10K+ सब्सक्राइबर है, बट सेकेंड चैनल नहीं है, इसलिए मुझे न्यू चैनल क्रिएट करना पड़ा। दोनों चैनल का नेम वीडियो के एंड में रिवील कर दूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात करने वाले हैं ब्लिपकार्ट AI वीडियो ट्रांसलेटर के बारे में। यह एक ऐसा AI टूल है जिसके हेल्प से आप किसी भी वीडियो का लैंग्वेज ट्रांसलेट कर सकते हो। यूज करना बहुत ही सिंपल है। अपलोड ए फाइल पे क्लिक करना है। अब आपको वीडियो सेलेक्ट करना है जिस वीडियो का लैंग्वेज चेंज करना चाहते हो। वीडियो सेलेक्ट करने के बाद लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। 35+ लैंग्वेज है, आप अपना मन पसंद लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आपको वॉइस मॉडल सेलेक्ट करना है। 2 या 3 मिनट प्रोसेसिंग में लगेगा, उसके बाद आपका वीडियो रेडी। देखो मैं सिगरेट नहीं पीता, पर जेब में लाइटर जरूर है धमाका करने के लिए। Look, I don't smoke, but I always had a lighter on me just to mess with people. इस AI टूल को ट्राई करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन है। आज है डे 1। ऑलरेडी मैंने वीडियो पोस्ट कर दिया है। दोनों चैनल पे सेम टाइम पे वीडियो पब्लिक किया था। फर्स्ट चैनल पे 6.7K व्यूज आया और सेकेंड चैनल पे 3.4K व्यूज। ऑडियंस रिटेंशन भी सिमिलर है, कुछ खास डिफरेंट नहीं है। व्यू के हिसाब से दोनों चैनल पे सब्सक्राइबर भी अच्छे इंक्रीज हुए हैं। बट अच्छी बात ये है, न्यू चैनल होने के बाद भी फर्स्ट वीडियो पे 3.4K व्यूज, अच्छा है, बहुत अच्छा है। अभी तो 60 डे बाकी है। आज है डे 2। ऑलरेडी मैंने वीडियो पोस्ट कर दिया है। फर्स्ट चैनल पे 11K+ व्यूज आया और सेकेंड चैनल पे 18K+ व्यूज। दोनों चैनल पे अच्छे व्यूज है, बट ओल्ड चैनल से बेटर न्यू चैनल पे व्यूज है, क्योंकि न्यू चैनल पे ऑडियंस रिटेंशन बेटर है एज कम्पेयर टू ओल्ड चैनल। सब्सक्राइबर्स भी इंक्रीज हो रहे हैं क्योंकि कंटेंट अच्छा है। कंटेंट बेटर नहीं होता तो व्यूज भी नहीं आते। आज है डे 3। ऑलरेडी मैंने वीडियो पोस्ट कर दिया है। फर्स्ट चैनल पे 5K+ व्यूज आया और सेकेंड चैनल पे 21K+ व्यूज। न्यू चैनल पे अच्छे व्यूज आने के मेन रीजन है ऑडियंस रिटेंशन। मैंने पहले भी बोला है, शॉर्ट वीडियो पे ऑडियंस रिटेंशन 80%+ बेटर माना जाता है। आप सोच रहे होंगे दोनों चैनल पे सेम वीडियो है तो ऑडियंस रिटेंशन डिफरेंट क्यों? क्योंकि यूट्यूब दोनों वीडियो को सेम ऑडियंस को रिकमेंड नहीं कर सकता ना। सेकेंड चैनल न्यू चैनल है, इसीलिए यूट्यूब ऑडियंस को टारगेट करके वीडियो रिकमेंड कर रहा है, जिसके कारण रेस्पॉन्स बेटर मिल रहा है। आज है डे 30। आज दोनों चैनल पे सेम रेस्पॉन्स मिला। व्यू भी सेम है, ऑडियंस रिटेंशन और सब्सक्राइबर्स भी सेम है। पिछले 30 डे में टोटल 32 वीडियो पोस्ट किया है। फर्स्ट चैनल पे पिछले 30 डे में 1,87,978 व्यूज आया है और सेकेंड चैनल पे 2,00,000+। पिछले 30 डे में फर्स्ट चैनल पे 700+ सब्सक्राइबर इंक्रीज हुए हैं और सेकेंड चैनल पे 900+। मैं पिछले 30 डे से पर डे 1 शॉर्ट वीडियो डिफरेंट चैनल पे पब्लिक कर रहा हूँ, बट अभी तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। यूट्यूब की तरफ से कोई मेल भी नहीं आया, लेकिन अभी 30 डे बाकी है। 30 डे में कुछ भी हो सकता है, चैनल टर्मिनेट भी हो सकता है। आज है डे 45। ऑलरेडी मैंने वीडियो पब्लिक कर दिया है। फर्स्ट चैनल पे पिछले 22 हावर्स में 2.8 लाख व्यूज है और सेकेंड चैनल पे 7.6K व्यूज। दोनों वीडियो पे ऑडियंस रिटेंशन बेटर है, बट फर्स्ट चैनल पे बेटर व्यूज और बेटर ऑडियंस रिटेंशन है एज कम्पेयर टू सेकेंड चैनल। आज है डे 60 डे एक्सपेरिमेंट चैलेंज का लास्ट डे। फर्स्ट चैनल पे पिछले 1 डे में 1.5 लाख व्यूज मिला है और सेकेंड चैनल पे पिछले 1 डे में 13K+ व्यूज। फर्स्ट चैनल पे ऑडियंस रिटेंशन 100%+ है और सेकेंड चैनल पे 98%+। दोनों वीडियो का ऑडियंस रिटेंशन बेटर है, फिर भी सेकेंड चैनल पे बेटर व्यूज नहीं आया। 13K+ व्यूज है, बेटर तो है, बट फर्स्ट चैनल के हिसाब से बेटर नहीं है। पिछले 60 डे में टोटल 73 शॉर्ट वीडियो पब्लिक किया है। 60 डे में फर्स्ट चैनल पे 8 लाख+ व्यूज आया है और सेकेंड चैनल पे 4 लाख+ व्यूज। सेकेंड चैनल न्यू चैनल है, फिर भी इस चैनल पे फर्स्ट डे से पर वीडियो पे
अच्छा व्यूज मिला है। मैंने सोचा था एक वीडियो को दो डिफरेंट डिफरेंट चैनल पे पोस्ट करना है तो शायद कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक या चैनल डिलीट हो जाए, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि यह मेरा खुद का कंटेंट है। किसी और का वीडियो डाउनलोड करके पोस्ट करता तो व्यूज नहीं आता। यह मेरा खुद का ओरिजिनल कंटेंट है, इसीलिए दोनों चैनल पे व्यूज आया। बट मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप एक वीडियो को दो डिफरेंट चैनल पे पोस्ट करो, फ्यूचर में चैनल को मोनेटाइज करने में प्रॉब्लम आ सकता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक वीडियो को डिफरेंट डिफरेंट चैनल पे पोस्ट करो सिर्फ 10 डे के लिए। जिस चैनल पे बेटर रिस्पांस मिलेगा उस पे काम करो, बाकी सब चैनल को ड्रॉप कर दो। लॉन्ग टाइम के लिए एक वीडियो को दो डिफरेंट चैनल पे पोस्ट करोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगा। कुछ लोगों के शॉर्ट वीडियो पे व्यूज नहीं आता क्योंकि उनको पता नहीं होता यूट्यूब एल्गोरिथम शॉर्ट वीडियो पे कैसे काम करता है। मैंने इस पे एक वीडियो बना रखा है जिसमें डिटेल में समझा रखा है कि यूट्यूब एल्गोरिथम शॉर्ट वीडियो पे कैसे काम करता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चेक कर सकते हो। जैसे कि मैंने बोला था वीडियो के एंड में मैं अपने चैनल का नेम रिवील कर दूंगा। मेरा ओल्ड चैनल का नाम है ऑन राज और जो मैंने न्यू चैनल ओपन किया था उसका नाम है ऑन राज 2.0। यह वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो से आपको कुछ शिकायत है तो कमेंट बॉक्स में बताओ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।